स्वागत है आप सभी का ई अकेडमी पर। और ई अकेडमी पर शुरू हो रही है मैथ्स और साइंस की क्लासेस 9th और 10th क्लास की, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए कि वो ज्वाइन करें। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ई अकेडमी ऐप। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में कि किस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो सेल की खोज है वो की थी रॉबर्ट हुक नाम के एक ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1665 में सबसे पहले क्या किया, सेल के बारे में पता लगाया। तो उन्होंने किस तरीके से सेल के बारे में पता लगाया तो देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कॉर्क की एक पतली स्लाइस ली। तो देखिए पेड़ के इस भाग में जहाँ पर छाल प्रेजेंट होती है वहाँ पर स्ट्रक्चर होती है एक कॉर्क, ठीक है। तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को इसका एक पतला सेक्शन लिया और इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने देखा कि जो एक कॉर्क थी वो कुछ पतली छोटे छोटे यूनिट्स की बनी हुई थी। तो ये बनी हुई थी कुछ छोटे छोटे यूनिट्स की, तो इन यूनिट्स को ही उन्होंने नाम दे दिया सेल। तो देखिए जो स्पेस थे, जो जगह थी उस कॉर्क में जो कि छोटे छोटे यूनिट्स थी, ये उन्हें लगी एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसी, यानी कि हनीकॉम के जैसी। तो इसलिए ही उन्होंने इसको नाम दिया सेल। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसको मधुमक्खी के छत्ते के समान देखा पाया और इस छत्ते के समान दिखने के स्ट्रक्चर के कारण ही इसको नाम दे दिया सेल। देखिए आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं किस तरीके से छोटे छोटे स्पेसेस हैं, जगह हैं। सेल नाम देने के पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि जो सेल वर्ड था, एक वर्ड है सेलुला, उससे आया है। अभी सेलुला का जो मतलब होता है वो होता है स्मॉल रूम, इस वजह से इसको नाम दिया गया सेल, क्योंकि जो स्ट्रक्चर थी वो छोटे छोटे रूम्स की जैसी दिखाई दी थी उन्हें, यानी कि वहाँ छोटे छोटे स्पेसेस थे, जगह थी, जिस कारण से इन्होंने इसको नाम दे दिया सेल। अब जो ये सेल इन्होंने डिस्कवर की थी वो एक डेड सेल्स थी, क्योंकि उन्हें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई दी जिसकी वजह से वो बता पाते कि ये जो सेल है ये एक जीवित सेल है, लिविंग सेल है। कोई भी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ थी जो एक सेल के अंदर होती हैं वो नहीं दिखाई दी उन्हें। अब बात आती है जब डेड सेल्स रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की तो लिविंग सेल के बारे में किस तरीके से पता चला। तो लिविंग सेल के बारे में जो पता चला था वो चला था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की सहायता से। यानी इन्होंने क्या किया, 1674 में जो सेल की डिस्कवरी थी उसको और आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया, एक जीवित कोशिका की खोज की। यानी कि इन्होंने जो सेल देखी वो जो सेल थी लिविंग सेल। अब जो उन्होंने सेल डिस्कवर की थी वो की थी एक एल्गी थी स्पायरोगायरा, जो कि फिलामेंट की जैसी होती है। यानी आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में इस तरह के फिलामेंट्स होते हैं, तंतु होते हैं। तो ये एल्गी है जो कि पाई जाती है फ्रेश वाटर में। तो इन्होंने इसको ही माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा और एक लिविंग सेल के बारे में पता लगाया। तो इस तरीके से एक लिविंग सेल की खोज हुई। अगर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इज़ रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देखिए इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया की खोज की थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के तौर पर इन्हें जाना जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल्स थी उनकी खोज की थी इन्होंने और लिविंग सेल की भी खोज की थी। तो इस तरीके से दो साइंटिस्ट हैं जो कि सेल की डिस्कवरी में जिन्होंने अपना योगदान दिया। तो देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं। अब सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि सर्वप्रथम सबसे पहले किसने की। तो अगर सबसे पहले बात आती है तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पर ल्यूवेनहॉक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है सबसे पहले खोज किसने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीवित कोशिका। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया है, जीवित यहाँ पूछ रहा है जीवित कोशिका की खोज किस वर्ष में की गई। अब देखिए जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी वो की गई थी 1674 में, और जो डेड सेल थी जिसके बारे में सबसे पहले बताया गया था वो की गई थी 1665 में। तो आप इन दोनों में कन्फ्यूज़न मत होना, इसका आंसर आप दे सकते हैं जब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे।
तो अगर लिविंग सेल की बात आती है तो 1674, और अगर बात आती है डेड सेल्स की है सबसे पहले तो आप इसमें आंसर करना है 1665। तो इस तरीके से ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सेल का, और आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। देखिए ये 10th और 9th क्लास की मैथ्स और साइंस की क्लासेस हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और देख लीजिए एक बार। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ज़रूर डाउनलोड करें ई अकेडमी ऐप।